सैमसंग गैलेक्सी M02S सैमसंग की तरफ से आने वाला एक बजट फ़ोन। जी हाँ, सैमसंग का बजट फ़ोन, लेकिन स्पेसिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। स्वागत है आपका टेक विस्तार पे। बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M02S के बारे में विस्तार से। सैमसंग गैलेक्सी M02S ये एक बजट फ़ोन होने के साथ साथ ओवरऑल एक बढ़िया फ़ोन है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक्स की। तो इस फ़ोन की थिकनेस 9.1 mm है और वेट 196 ग्राम। फ्रंट में आपको मिल जाती है एक 6.5 इंच की PLS IPS HD Plus डिस्प्ले, जिसके रेजोल्यूशन है 700x1600 पिक्सल। 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो है और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 270 PPI पिक्सल डेंसिटी है। वाटर ड्रॉप नॉच है और 81.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बेजललेस फ़ोन है तीन तरफ से। नीचे चिन थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बैक साइड की अगर बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया है और टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है। ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है आपको 13+2+2 मेगापिक्सल। 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कैमरा परफॉर्म करता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल HD यानी कि 1080p तक का वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं 30 FPS पर। नीचे की तरफ बात करें तो स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, 3.5 mm ऑडियो जैक और USB Type-C देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक भी मिल जाती है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। मेमोरी कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं। जी हाँ, इसमें हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, 2 SIM स्लॉट के साथ आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं। अब बात करें इसके इंटरनल की तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में ही 7.7 वाट की चार्जर मिल जाती है। और साथ ही साथ ये फ़ोन 15 वाट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आप चाहें तो इसके लिए फास्ट चार्जर भी अलग से खरीद सकते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रोसेसर कौन सी यूज़ की गई है। तो इसमें स्नैपड्रैगन का 450 जो कि 14 नैनोमीटर वाली चिपसेट है वो यूज़ की गई है। वैसे तो ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इसे बुरा भी नहीं कर सकता, ठीक ही है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें आपको कॉर्टेक्स A53 के 8 कोर मिल जाएंगे जो कि 1.8 GHz पर क्लॉक की गई है। GPU इसमें Adreno 506 यूज़ की गई है। कुल मिला के ये CPU और GPU आपका साथ निभा देगा, मतलब आप हल्की फुल्की गेमिंग कर तो पाओगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है। ये फ़ोन 2 वेरिएंट में आती है, 3 GB RAM वाली और 4 GB RAM वाली। 3 GB RAM वाली में आपको 32 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी और 4 GB RAM वाली में आपको 64 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 One UI के साथ मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो आपको 3 GB वाली वेरिएंट 8999 में यानी कि 9000 में मिल जाएगा और 4 GB वाला वेरिएंट 9999 में यानी कि 10000 में मिल जाएगा। देखिए, ये फ़ोन परफॉर्मेंस वाइज Realme और Xiaomi को तो टक्कर नहीं दे पाता, लेकिन अगर आपको एक अच्छे ब्रांड का फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन 10000 के अंदर बेस्ट है। इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।